शाहजहांपुर में निर्माणाधीन स्कूल की छत गिरने से हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा काटा। मृतकों के परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने रोड पर बैठकर जाम लगा दिया। बाद में अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद जाम को खुलवाया जा सका। दरअसल कल थाना रौजा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन स्कूल भवन का लिंटर गिरने से 3 मजदूरों की दबकर मौत हो गई थी और 15 मजदूर घायल हुए थे, लेकिन 18 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया। इसी बात से नाराज मृतकों के परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए शवों को ले जा रहे वाहन के सामने बैठकर अस्पताल के सामने रोड जाम कर दिया। परिजनों द्वारा रोड जाम किए जाने की सूचना के बाद प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाने की कोशिश की। बाद में मुआवजा दिए जाने के मान ली गई है? नहीं, बिल्कुल। और हम लोगों ने कल रात में ही इसकी कवायद प्रारंभ कर दी थी। जो अपंजीकृत मजदूर होते हैं उनके डेक पर 50,000 का सद्य लाभ उनको मुआवजे के रूप में मिलता है, और इसके अतिरिक्त 6-7 लाख का कॉम्पेंसेशन का भी है जिसकी नोटिस जारी कर दी गई है। वो जो मालिक है उससे वो वसूला जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन की जो सर्हित बीमा योजना है उसमें भी SDM से बात कर ली गई है। उसमें सर्हित बीमा योजना में भी इनको लाभान्वित किया जाएगा। उसमें 5 लाख तक की धनराशि उनको मिलेगी। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी धनराशि उपलब्ध करने की कवायद शुरू कर दी गई है।